आपको दिखाएंगे कि ये कैसे बैंडेज करते हैं इस पर। आप 1.5 किलो लेना, अच्छी बाजार में 200 रुपये की मिल जाती है। ये लगा लें आप, जल्दी कर जाती है मेरी। फिर आप चारों तरफ इसको यूँ लगा लें, अच्छे से लगाइएगा, ऊपर कर लेंगे। यहाँ पर हम 3 लोग के बैंडेज कर रहे हैं, तो करके ना आप जहाँ पे भी सुराख हो रहा ना आप वहाँ पे पड़ दें इसको। बल्ला की रेड लगी पड़ी है, बल्ला पूरा तोड़ दिया है इन्होंने। हम इनको ना बैंडेज करके दे रहे हैं। उस्ताद फ्री में करके दे रहे हो? जी यार, बत क्यों कर रहे हो उस्ताद, बीच में क्यों ला रहे हो? आपको चारों साइड पे गिल्ली लगानी है पहले, यहाँ पर भी लगा दिएगा, चारों तरफ, चारों तरफ। फिर यहाँ पे भी लगा दिएगा क्योंकि ये आगे तक ठुकता है। अरे वो तो दिखाओ कौन सा कलर की, उससे बैंडिंग 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 करेंगे। बैंडिंग हम इससे करेंगे, बहुत मोटा धागा, बहुत मोटा, ये आपके दांत तोड़ देगा लेकिन धागा नहीं टूटेगा। आप बस देखिए कितना मोटा है, देखिए आप कितना मोटा है। लड़कियां भी इसके सामने पतली हैं, कम होता ही है। अभी हम बाइंडिंग, चलो शुरू करो बाइंडिंग, शुरू करते हैं। देखो आपको पहले सिरा पकड़ के ऊपर ऐसे गिरु लगाते जानी है, उस पे लिखना भी। यहाँ पर घुमा टाइट टाइट, पहले हल्की हल्की करनी है, उसके बाद टाइट टाइट करनी है ताकि ना धागा रुक जाए। और यहाँ पर ना यूं करके ना रोक देना इसको, यूँ करके जब रुक जाएगा तो आपके लिए आसानी हो जाएगी कि बाइंडिंग करना। अब यहाँ से आप टाइट टाइट करना, टाइट 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 शुरू करते हैं। वो धागे के ऊपर धागे नहीं लगाने, धागे बराबर में धागा लगाने। रुको मैं आपके पहले पास से दिखा देता हूँ, लगाओ भाई बराबर ऊपर, कभी भी नहीं लगाना, लाइन लाइन से लगाते जाना है, ऊपर तक ले जाना है, और साथ साथ ग्लू भी लगाते जानी है कि मजबूत रहे वो। टाइट 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 रखना पूरा। धागा भी आपको बाजार में मिल जाएगा 40-50 रुपये में। साइडों में भी लाजमी लगानी है, तुम लाइन से लगाना है, लाइन से टाइट टाइट हाथ रखना है, बिल्कुल टाइट टाइट रखना। और जो बचेगी आप पतंग भी उड़ा सकते हैं इससे, जो बचे। हम भी ये बचेगी बहुत सारी, हम भी इससे गुड्डे उड़ाएंगे, गुड्डे पिंडिए 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 में। पुलिस को इन्फॉर्म कर देना है, रूम नंबर 1112 193 घर का नंबर। आपको बता दूं मैं रहता हूँ शहर में, शहर में मेरा मैं रहता हूँ कच्चे किले पे, कच्चे किले पे आपको मिल जाएगा। आप पूछ लिया क्या चीज़ है, हम सब डरते हैं वहाँ पे हमसे। धागा एक गट्टी के अंदर बहुत ज्यादा आता है धागा, ये 30-40 रुपये में आपको मिल जाएगा मार्केट में आसानी से, बहुत ज्यादा आता है धागा। आप बोलिएगा मजबूत वाला दें, बिल्कुल मजबूत, एकदम मजबूत, जो कस टूटे नहीं। इधर भी लगाओ, इधर भी लगाओ, इधर भी लगाओ, इधर भी आना चाहिए थोड़ा। आप टुटवा के जरूर से चेक करवा लिएगा, हाथों से मुंह से सही चना से टुटवा के चेक करवा लिएगा, फिर लिएगा, नहीं तो वो लोकल हो जाएगा, आपकी बाइंडिंग बेकार हो जाएगी, बिल्कुल बेकार। एक मिनट हाथ टाइट घुमाओ घुमाओ। आप ये देखिए कि ना इधर से ये पूरी लाइन है ना, ये पूरी ना यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी टूटी हुई थी ये। अब आप इसमें भी ग्लू भर दिएगा ताकि ना दिखे नहीं। अगर आपको बल्ला ज़्यादा टूट रहा है तो टाइट टाइट हाथों से करें, और ना ज़्यादा करें, इधर भी लगाओ इधर। देखिए कितनी ज़बरदस्त बाइंडिंग हो चुकी है, सस्ते पैसों में बड़ी बाइंडिंग। बाजार से करवाओगे तो आपको 50 रुपये सिर्फ एक जगह के जाएंगे, अगर बाजार से किराया अलग लगेगा, आप जाएंगे अलग, पेट्रोल लोड जाया होगा, 100 रुपये ऐसे आप पैदल जाएं किसी भी मार्केट में, वहाँ से करवा कर खुद कर लेंगे, घर पे खुद कर लें, पैसे बच जाएंगे आपके।
हम भी घर पे करते हैं अपने बल्लों की बैंडिंग कड़काली। हम ये कितनी जबरदस्त रही है। नंबर वन आप जैसा जैसे कि देख सकते हैं कि बस होने ही वाली है भाई, यहाँ तक और चढ़ानी है, यहाँ तक और चढ़ेगी बस काम खत्म हो जाएगा। ऊपर भी चढ़ेगी थोड़ी सी? नहीं वो तो सही है ना, ऊपर नहीं चढ़ेगी बस नीचे, नीचे से टूटा हुआ था ना वो टाइट कर लेंगे, बाकी फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको ना आप ना धूप में ना या पंखे के आगे, धूप में या पंखे के आगे ना दो ए खड़े आज 15 मिनट नहीं 15 मिनट में आपका हो जाएगा कम्प्लीट, सूख जाएगा धूप। लेकिन मेरा तो यार देर लगी थी सूखने में यार, मेरा तो देर से सूखा था मेरा तो आपकी मशीन से हुआ हुआ। चलो अब आपको मिलते हैं जब ना बैंडिंग कंप्लीट हो जाएगी। आप जैसा कि देख सकते हैं कि बस होने वाली, इतनी ज़्यादा कर दी है हमने, होने वाली है बस, हमारा कदन है कैची लेने। ये लो काटो, कहाँ से काटो, काटे यहाँ से काट दें। पापा के मोबाइल पे तेरी कटी नहीं रही है, कितना मजबूत है यार ये। अब बिल लगा के बंद कर दो, ये रख के आओ। इसको ना काट के ऐसे ना रख देनी है ताकि अपने जगह से रहनी। और हाँ अगर इस पे टेप भी चढ़ा देना है, इस पे इसके ऊपर ना जब सूख जाए ना टेप चढ़ा दीजिए टाइट हाथ से टेप चढ़ा दीजिए। देखिए आप ना कितना सारा धागा बचा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कंप्लीट हो चुकी है, पूरी कंप्लीट हो चुकी है कड़क हाथ से। देखिए बस आप छोटे बल्ले पे करिए और ये वाले बल्ले पे भी हमने करी थी। और देखिए ये टेप चढ़ाया हुआ है, टेप चढ़ाया हुआ है और इधर भी बैंडिंग में टेप चढ़ाया हुआ है। अगर ना हाथ से होममेड करी हुई है तो, और ये रबड़ भी हमने खुद ही चढ़ाई थी, रबड़ हमने लेके आए थे खुद ही चढ़ाई थी। और इधर भी देखिए आप ये नए वाले बल्ले पे इधर भी बैंडिंग हुई हुई है और इस पर इधर भी हुई हुई है, मशीन से हुई हुई है, ये दोनों मशीन से हुई हुई है और ये वाली हमने करी है। इस पे भी हम ग्लू लगाते थे कि इसका भी भरोसा नहीं है। चलो आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।